हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर चैप्टर वन इन योर साइंस बुक विच इज नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इंट्रोडक्शन वॉट विल हैपन टू ए कार इफ इट रन आउट ऑफ पेट्रोल क्या होगा अगर एक कार में पेट्रोल ना हो तो ठीक है विल इट बी एबल टू रन क्या वो चलने लायक होगी क्या वो चल पाएगी ऑब्वियसली नॉट बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि नहीं चल पाएगी दिस इज अ बिकॉज अ कार कैन नॉट रन विदाउट द एनर्जी प्रोवाइडेड बाई पेट्रोल और फ्यूल क्योंकि कार को जो एनर्जी मिलती है चलने के लिए वो किससे मिलती है पेट्रोल से मिलती है फ्यूल से मिलती है ठीक है इन फैक्ट एवरीथिंग इन यूनिवर्स नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जब अगर हम सच में बात करें तो पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जितने भी लोग हैं अगर उनको आ, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो कुछ ना कुछ उनको आ, किसी चीज़ की नीड होती है ठीक है दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय सम सोर्स ऑफ एनर्जी और ये जो एनर्जी प्रोवाइड होती है बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है इन द सिमिलर वे उसी तरीके से लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज उसी तरीके से जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक like, प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं ठीक है उनको भी जरूरत होती है एनर्जी की अपने आ, कुछ भी काम करने के लिए कुछ भी मूवमेंट करने के लिए अपनी एक्टिविटीज को कम्प्लीट करने के लिए द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म इज फूड और जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी जीव हैं उनको उनके जो एनर्जी का सोर्स है वो है क्या है खाना फूड द बॉडी यूटिलाइज दिस फूड टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट और ये जब बॉडी में जाता है तो बॉडी इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है और ये यूज uh, uh, हो जाता है हमको कुछ भी काम करने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन और इसी प्रोसेस को जो अभी हमने बात की जिसके बारे में उसी को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन ठीक है वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज फॉलोज हम न्यूट्रिशन को हम uh, जो है डिफाइन uh, अगले इस पे करने वाले हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन Uh, जो प्रोसेसर होता है फूड को लेने का एसेमलेशन मतलब फूड को लेने का ऑब्जर्व करने का एंड और इसका यूज करने का ठीक है बॉडी के द्वारा उसी को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं ओके okay? फूड प्रोवाइड अस अ वायटी ऑफ न्यूट्रिशंस फूड हमें ना बहुत तरीके से ना प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ये हमें जो न्यूट्रिशन है हम इनके थ्रू लेते हैं ठीक है फैट्स होता है वाइटामिन होता है मिनरल्स होता है रिक्वायर्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पजेज और ये अलग अलग पर्पजेज के लिए हमारी बॉडी में हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू अ फूड ठीक है द बॉडी नीड्स फूड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन जो बॉडी है ना इनको ऑब्जर्व करने के बाद बहुत सारे काम करती है जैसे ग्रोथ बॉडी uh, जो है बढ़ती है रिपेयरिंग एंड डैमेज टिश्यूज हमारे जो टिश्यूज डेली बेसिस पे टूटते रहते हैं फिर रीमैंड होते रहते हैं वापस बनते रहते हैं ठीक है रिपेयर होते रहते हैं वो इसके थ्रू ही होते हैं डिराइव एनर्जी टू तो परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस और हमारे लाइफ का जो जरूरी काम है जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको परफॉर्म कर पाते हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिलती है ठीक है थ्रू द न्यूट्रिशन ओके और नेक्स्ट ने, 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 फर्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है वो हम पढ़ने वाले हैं मेनली देर आर टू मोड्स दो तरीके होते हैं मेनली इन विच द ऑर्गनिज गेट देयर फूड दो तरीकों से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी ऑर्गेनज होते हैं वो फूड प्राप्त uh, करते हैं मिलता है उन्हें दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड या तो वो खुद अपना फूड बनाते हैं खुद मैनेज करते हैं दे कैन गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेज या फिर दूसरे ऑर्गेनिज में जो भी जैव होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है अकॉर्डिंगली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज और इसी की तरह से दो न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है फर्स्ट हम रीड uh, करते हैं ऑटोट्रॉफिक ये क्या होता है द वर्ड ऑटोट्रॉफिक इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स जो ऑटोट्रॉफिक ये जो वर्ड बना है ना ये दो वर्ड से मिलकर बना है ठीक है फर्स्ट वन इज ऑटो so, और सेकेंड वन इज ट्रॉफ तो ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ खुद ठीक है और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट ठीक है तो इसका अगर हम इसको पूरी तरीके से बात करें तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इज ओन फूड इज कॉल्ड ऑटो न्यूट्रिशन जब कोई आ, जब कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो भी जीव होता है वो अपना फूड खुद बनाता है मतलब यहाँ पे बात हुई ना सेल्फ की खुद बनाता है ठीक है जीने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं ठीक है ये जो डेफिनेशन uh, है ये आप पढ़ेंगे अच्छे से दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स और ये जो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली किन में बनता है ग्रीन प्लांट्स में बनता है ठीक है ग्रीन प्लांट्स कंटेंस है ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल और जो ग्रीन प्लांट्स में जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिनसे उसका कलर ग्रीन होता है वो किसकी वजह से होता है वो एक क्लोरोफिल होता है पिगमेंट होता है उसकी वजह से वो उनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है विच अनेबल्स डेम टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वो ये जो सारा काम करते हैं वो इसी की वजह से क्लोरोफिल की वजह से वो सनलाइट से एनर्जी ले लेते हैं ठीक है कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं और सॉइल से जो है वो जो भी उनको जरूरत होती है वो ले लेते हैं ठीक है नाउ टर्न योर पेज उसके बाद में हमारा जो है वो सेकेंड uh, फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक ठीक है यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है हेट्रोट्रॉफिक मींस टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है इसका कि हम अग, जो भी हमको न्यूट्रिशन चाहिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं ठीक है हेट्रो मीन्स हेट्रो का मतलब ही क्या होता है मीन्स अदर ठीक है ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन मींग्स आर हेट्रोट्रॉफिक एज दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इनसाइड देयर बॉडी एज दे लैक क्लोरोफिल अब जो जितने भी ह्यूमन uh, बींग्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं ठीक है वो लोग क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए क्यों क्योंकि उनकी उनकी बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं होती कि क्लैक उसमें लैकिंग होती है क्लोरोफिल की जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है ठीक like है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हमने बताया अभी अभी आ, समझा कि जो न्यूट्रिशन लेने के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं है,

मे ईट प्लांट्स एंड सम अदर मे ईट मीट ऑफ अदर एनिमल्स कुछ ऑर्गेनिम होते हैं जो प्लांट खाते हैं कुछ होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या उनसे प्रोड्यूस हुए कुछ प्रोडक्ट्स खाते हैं ठीक है ह्यूमन्स डिपेंड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो ह्यूमस होते हैं वो दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं वो प्लांट्स को भी यूज करते हैं अपने फूड अपने न्यूट्रिशन के लिए और एनिमल्स को भी फॉर देर न्यूट्रिशन नीड्स ठीक है उनके जो न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वी गेट वेजिटेबल फ्रूट सीर एंड स्पाइसेज फ्रॉम प्लांट्स जैसे हम वेजिटेबल फ्रूट्स और uh, सीरियस और स्पाइसेस जो होते हैं हैं वो के से से मिलते हैं? से. वैसे ही मिल्क एग्स एंड मीट आर फ्रॉम एनिमल्स और मिल्क एग और मीट जो होता है कुछ लोग खाते हैं वो हमें कहा से, से मिलते हैं एनिमल्स से मिलते हैं वेरियस अदर थिंग्स लाइक कर्ड चीज एंड घी आर ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट्स और इसके अलावा चीज कर्ड ये सब है ये सब भी मिल्क से बनते हैं तो ये मिल्क जो है वो भी हमें एनिमल्स मिलता है मतलब दोनों uh, हम प्लांट्स पे और एनिमल्स पे दोनों पे डिपेंडेंट है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज और जो एनिमल्स है उनकी ईटिंग हैबिट्स के थ्रू मतलब वो किस तरह से खाना खाते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे कंप्लीट होती है ठीक है तो उसकी बेसिस पे जो एनिमल्स उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ओके